जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी गोद में अपना सर रख के सोना चाहता हूं। एक आखिरी बार। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कल रात तो मैं प्रज्ञा की गोद में सो रहा था, फिर यहां कैसे? प्रज्ञा, प्रज्ञा, रॉबिन, रॉबिन, ये सब। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। प्रज्ञा कहाँ पर? सर पता नहीं सर, वो आज सुबह से कॉफी बनाने भी नहीं आई सर, वो। ओके, ठीक है। जी ठीक है सर। कहीं दादी के पास तो नहीं गई? दादी, दादी, दादी आपने प्रज्ञा को कहीं पर देखा है? वो मिल नहीं रही। वो तो कल रात तेरे साथ ही चली गई थी, उसके बाद मेरे पास नहीं आई। क्यों, क्या बात है? पता नहीं दादी, मुझे मुझे लग रहा है कहीं प्रज्ञा चलेगी। मतलब ऐसे कैसे जा सकती है बिना बात किए, बिना मिले? दादी ना वो रूम में है ना किचन में है। रॉबिन से पूछा लेकिन रॉबिन को भी पता नहीं। तू अच्छी तरह देख, मुझे पूरा भरोसा है मेरा फैसला सुने बगैर वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है दादी। कोई बात नहीं हुई पूरब, तुम कल रात को आने वाले थे, अब तुम परसों रात को आने वाले हो, दिस इज नॉट फेयर। बुलबुल काम डाउन। देखो तुम जानती हो ना, अभी ने अलग अलग जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करे हुए, अब उसने इतना कुछ किया, मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या, मेरा ख्याल कौन रखेगा? बुलबुल तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, और कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? रियली वहां से मैं आ रहा हूँ ना एक दो दिन में, तुम इतना हाइपर क्यों हो? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ गोवा। तुम मेरे बिना गोवा जाओगी? क्या बोल रही हो तुम? क्यों तुम्हें मैं ऐसे घूमती फिरती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? दो दिन की बात है यार, तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रही? वो क्या है ना, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ आ जाओगे, मेरा वेट करोगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए तुम प्लान कर लो और 5 दिन वहां रह लो, ठीक है? एंड आई एम गोइंग फॉर दिस वेकेशन, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो तुम अकेले क्या करोगे जाके, मैं कल सुबह ही वापस आ रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ में गोवा चलेंगे। ओके, और जीजू के इन्वेस्टमेंट्स का क्या? वो मैं देख लूंगा, अगर काम खत्म हो गया तो सही है, और अगर काम खत्म नहीं हो तो मैं अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, पर तुम कहीं नहीं जाओगी, प्रॉमिस। बाय। पहलतन बिल्कुल, आई मीन शादी से पहले तूने अपने होने वाले पति को मुट्ठी में कर लिया है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, क्या सुबह से किसी ने प्रज्ञा को देखा? नहीं, पर हुआ क्या है?
लो आ गई प्रज्ञा। प्रज्ञा कहाँ चली गई थी तुम? किसी को बताया भी नहीं, पता है सब लोग कितने परेशान थे। दादी के फैसले का वेट तो कर लिया होता, कहाँ गई थी तुम? हमारे बैग लेकर क्यों? दादी के फैसले से जुड़े हर इंसान को यहाँ होना चाहिए, जो नहीं है उसे लेने गई थी। किसे? अब बताइए दादी, क्या आप तनु और उनकी शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? आपने कहा था ना कि आप सुबह फैसला सुनाएंगी, तो आपने जो कहा मैंने किया, आपकी हर बात मानी। अब अपना फैसला सुना दीजिए। ये बोलने को मत कह मुझे, मैं नहीं कह पाऊंगी। दादी मैं जानती हूं आपके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला करना भी तो जरूरी है ना, और हम देर नहीं कर सकते। ये सही वक्त है ये फैसला लेने का। दादी मुंह फेर लेने से या आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी। आपको ये फैसला करना होगा दादी, अपने अपने पोते की भलाई के लिए, इस घर सबकी भलाई के लिए। था ठीक है दादी, आप मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, तो आप ऐसा कीजिए, बस मुझे इस घर से चले जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगी आपने क्या फैसला किया। प्रज्ञा बेटा ऐसा करने को ना बोल, मैं तुझे इस घर में लेके आई थी। जाने को कैसे बोल सकती हूँ? मेरा इम्तिहान मत ले बेटा, मेरा इम्तिहान मत ले। दादी इम्तिहान तो मेरा है, आप मेरी तकलीफ और मत बढ़ाइए। दादी दादी अगर आपने मुझे इस घर की बहू माना है, मुझसे सारा सा भी प्यार किया, अगर आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है ना कि मैं हमेशा सही का साथ दूंगी, तो इस घर से जाने से आप मुझे नहीं रोकेंगे। Oh.
ख्याल रखना। ये वो पेपर्स है जो आपको इस रिश्ते से आजाद करते। इसमें लिखा है कि मुझे आपकी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं है। मुझे आपसे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। ठीक है प्लीज, कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए। किसी के लिए ये सब आसान नहीं, लेकिन जिस मासूम की जिंदगी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, सिर्फ उसे याद रखिए, हर काम आसान हो जाएगा। आप प्लीज साइन कर दें। मेरे लिए कोई बोले दरिया है। Yes, तनु, you did it. तुमने अपना सपना पूरा कर दिया। पता नहीं ये कचरी किट्टी और टैक्सी को ये बुलबुल ने खाना दिया भी है कि नहीं। क्या कहूंगी मैं सबको, ऐसे अचानक सबको सच तो नहीं बता सकती। कह दूंगी कि कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ, फिर धीरे धीरे सबको सब कुछ बता दूंगी। इस घर में तो मेरे सिवा कोई काम करता ही नहीं। अब ये सब्जियां भी मुझे काटनी पड़ेगी। क्या? अरे, तू? आई मेरा बच्चा। तू कैसे आ गई? अब बुलबुल बीजी, जान की देखो तो कौन है? क्या ये? तू ठीक है ना बेटा? अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आई है? अभी नहीं आया? उन्हें तो छोड़ आई मैं। ऐसी बातें मुंह से भी मत निकाल। मजाक कर रही हूँ। मैं अपने घर अकेले आ भी नहीं सकती क्या? अरे तेरा अपना घर है बेटा, तू जब चाहे आ सकती। बस मैं यूं ही आ गई। व्हाट अ सरप्राइज। ये तो कब आए? और जीजू कहाँ है? वो नहीं आए, मैं अकेले आई हूँ। और एक दिन या कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे 10 दिन के लिए आई हूँ मैं। 10 दिन के लिए आई है दीतू? वैसे जीजू तो तुझे एक दिन के लिए नहीं छोड़ते, 10 दिन के लिए कैसे छोड़ते? और ड्रॉप करने के लिए भी नहीं आए वो। अरे तेरे जीजू आने वाले थे, वो शूट तक काम आ गया, तो मैंने कहा मैं अकेली चली जाती हूँ, तो मैं आ गई। ठीक है, अब तू कह रही है कि काम आ गया तो काम ही आ गया होगा, लेकिन तू पहले से ही बोल देना मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुझे। जब तुझे 10 दिन बाद घर जाना होगा ना, तो वो तुझे लेने आएंगे तभी भेजूंगी, नहीं तो मुझे भेजना ही नहीं है तुझे। मैं अभी आई हूँ और आप जाने की बातें कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, अब 10 दिन तक कोई मेरे ससुराल की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ वैसे ही रहूंगी जैसे पहले रहती थी। और आपको कोई काम नहीं करने दूंगी सिवाय एक काम,
क्या काम? आपको जब लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपने प्रॉमिस किया था ना कि मेरी हर फेवरेट चीज बनाकर मुझे खिलाएंगे। अब प्रेग्नेंट ना सही, लेकिन आपको आपको अपना प्रॉमिस तो पूरा करना पड़ेगा ना। और बारिश के मौसम में ना आपके हाथ के प्याज के पकौड़े बहुत याद आते हैं मुझे अपने ससुराल में, तो बस अदरक कद्दूकस करके चाय और साथ में प्याज के पकौड़े चाहिए मुझे। लो, मैं अभी बना के लाती हूँ। जानकी चल फटाफट तैयारियां करनी है भाई, ये ले सब्जी भी ले ले। तो आते ही मेरी तबीयत खुश कर। चल बेटा आ जा। आपकी आपकी गेम कैसे चल रही है? अरे वही की मैं अटकी हूँ, तू जरा मेरी मदद करना। ये प्रज्ञा भी ना खुद तो चली गई, अपना सामान यहीं छोड़ गई। ये देखो मंदिर, जाने से पहले मंदिर भी नहीं हटा के गई। मैं तो पूजा करती नहीं, तो रॉबिन से कह के इसे हटवा देती हूँ। ओह माय गॉड, हाँ बैंगल्स भी और ये बुक्स। ये बुक्स इसलिए इसलिए छोड़ के गई ताकि उसकी याद में मैं पढ़ू। अभी हम सो हैप्पी कि दादी हमारी शादी के लिए मान गई। ये बुक्स हटा देती मैं यहां से। ये फोटो, अब इस फोटो का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसे भी हटा देते। Don't you dare touch this photo. पर क्यों अभी? हमारी शादी होने वाली है, तो इस फोटो का यहाँ पे क्या काम? हमारी शादी होने वाली अभी तक हुई नहीं, और जब तक हमारी शादी हो नहीं जाती ना, दोबारा इस फोटो को हाथ भी मत लगाना। तनु बस ऐसे चली जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूं। अभी का मूड ठीक नहीं है, आई थिंक इसे अभी परेशान नहीं करना चाहिए। असेट लीव। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।